हुआ कि ये जो देहाती वर्ड्स है ये बहुत टच करता है मुझे। जब जब मुझे कोई देहाती मिलता है तो ऐसा लगता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस उसी की फिल्म ही है। नहीं नहीं वो भी है और देहाती भी है। दूसरी इसका मुद्दा यही है कि आप जो वेस्टर्न डांस है जो भी सीख के आए वो हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, हम उस पर गर्व करते हैं। थॉट के लिए और मैं धन्यवाद दूंगा गणेश मास्टर जी को कि उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी महाराज जी हैं, बहुत भव्य फिल्म स्टूडियो प्लान कर रहे हैं और ऐतिहासिक एक फिल्म स्टूडियो का हिंदुस्तान का सबसे सुंदर। तो ये अगर जैसे गणेश मास्टर हैं, मेरा दोस्त हैं जॉन अब्राहम ऑल्सो शूटिंग, रेमो सर यहाँ पर आए हुए हैं, मनोज भाई हैं, सब लोग हैं, एवरी ऑल दी एक्टर्स आई है, तो मैं गणेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना और यहाँ रोज़गार काफ़ी लोगों को मिला, इतने सारे लोकल आर्टिस्टों को काम मिला, इतने सारे कोरोना के बाद बहुत तकलीफ में थे, इतने सारे डांसर्स थे यहाँ के जूनियर्स थे बेचारों को, सबको काम मिला, तो उसके लिए मैं धन्यवाद। एक जब फिल्म की शूटिंग होती है तो उस क्षेत्र को उस जगह को बहुत सारा रोज़गार मिलता है, तो एक बहुत अच्छी पहल है और उसके लिए गणेश को धन्यवाद। और गणेश ने सबसे सुंदर चीज़ ये की संस्कृति को पकड़ के, अपनी धरातल को पकड़ के और महादेव को पकड़ के, महादेव के साथ जोड़ के कहानी ली। इसमें बच्चा भी है, बच्चे के साथ एक इमोशनल भावनात्मक डांस कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर मिट्टी की बात है और बहुत अच्छा एक संदेश है। ये फिल्म एक मैसेज के तौर पे जाएगी, इसलिए हम सारे मित्र गण इसमें जुड़ गए। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी इस फिल्म का, गणेश ने मुझे हिस्सा बनाया और मिश्रा जी प्रोड्यूसर, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। और इस धरती को धन्यवाद, ये धरती पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं शूटिंग करने, उत्तर प्रदेश की कहानी उत्तर प्रदेश में बन रही है, इससे सुंदर और क्या बात है। संयुक्ति की बात की आपने, ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी देखा गया है, पहले फिल्में महाराष्ट्र वगैरह में शूट हुआ करती थी, इधर तीन चार सालों की या वेब सीरीज हो या कोई भी फिल्म हो, लखनऊ कानपुर की भाषा भी इस्तेमाल की जा रही है, छोटे शहरों की स्टोरी चलती आ रही है, फिल्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, यही रीज़न है जो कि आपने दिया कि लखनऊ की फिल्म। ये तो मनोज शर्मा जो फिल्म के डायरेक्टर है और कमल मिश्रा जो प्रोड्यूसर है, हम लोग ये कमल भी यहीं से है, लखनऊ से ही है और इन्होंने पहले दो फिल्में यहाँ बनाई है। तो जब बात हुई देहाती जिसको बननी है तो उन्होंने देसी यहाँ पे रखा पूरा कि यही लखनऊ से 5 किलोमीटर दूर से शिवपुर बनाया, उसकी पूरी कहानी और बेस वहीं पे है। तो वहाँ के बड़े मांझ जो बने, मनोज जी बने, उनके बेटे, बड़ा बेटा मैं बना हूँ, रवि मेरे छोटे भाई बने और पूरा यहीं का बेस है। और चूँकि हमको एक गांव चाहिए था जहाँ पे एक मंदिर हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो, तो मनोज ने पूरा ढूंढा। फिर फिल्म में एक ऐसे इंसान चाहिए थे जो फिल्म को मेन उसका मुद्दा हो, कहानी कहाँ से हो, तो राजेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे, उन्होंने उस फिल्म को बहुत ही प्यार से उठाया है, तो उनके वजह से ये पूरा मुद्दा आता है कि उनका बेटा जो है वो बाहर से डांस सीख के आया, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन सीख के आया और उनको अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना है। और मेरा जो बेटा है वो भीमा है, ये इसके अंदर कला है और हम दोनों के अंदर एक जो मैं बचपन में करना चाह रहा हूँ वो सब ये करता है, तो यही ये चैलेंज उठाता है उनके बेटे के सामने, तो वहीं से पूरा कान, तो पूरा ये पूरी मट्टी की बात है। और हम लोगों ने जब इसका टीजर छोड़ा था तब उसके भी लाइन यही थी कि जाति मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान, मिट्टी के हम तुम सारे फिर काहे का अभिमान, दैट इज द लाइन। लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद रहा, कोई काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा जो साथ होता है और जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको लेकर, मैं निश्चित तौर पर बता दूँ। मनोज, फाइनेंशियल तौर पर तो मैं ये जो सबसे पहले तो कमल किशोर मिश्रा है, जहाँ भी कमल खिला है बिहार में भी खिला, बिहार में भी खिलेगा और यूपी में भी खेल रहा है, एमपी में भी खेल रहा है। देखो कमल कीचड़ में खेलता और देहात में भारत करता। दूसरी बात कि हम सबको आज तक जो वेस्टर्न कल्चर का जो एक ऊपरी आकर्षण जो था, तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी जो धरोहर है वो तो इतनी मजबूत है और इतनी की जड़ें इतनी तीव्र हैं और ज़बरदस्त कि उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए तो देहात में हमको, गांव में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ये कहानी
उस मिट्टी की है और मिट्टी की संस्कृति की है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गणेश भाई को, गणेश आचार्य ने कहानी सुनी और कमल भाई ने कोशिश करने का साहस किया और कहानी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की ही है और उसका बैकग्राउंड ड्रॉप भी यही है। और इसलिए कोरोना काल में, ऐसे काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ का चेकअप करके हम लोग मुंबई से आए हैं। हाँ ओके, अब ये इंटरव्यू दे रहे हैं इससे मास्क वास्क निकाला, लेकिन हम बड़े सावधानी के साथ और गांव भी ऐसा चुना है कि जहाँ बहुत सारी भीड़ न हो। सारे डांसर्स मुंबई से आए हैं और मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा भारतीय आइसक्रीम बनाया है गणेश भाई ने, हमारे मनोज शर्मा डायरेक्टर हैं, गणेश आचार्य जी ने उसके ऊपर चेरी जिसको मैं अभी बोला, ये चेरी हमारे रेमो सर हैं जो आज आए हैं और बहुत सरप्राइजिंग भूमिका कर रहे हैं। जो चयन किया है उन्होंने आर्टिस्टों का या सारे डांसर्स जो मुंबई से आए हैं, तो सभी इस कोरोना काल में सावधानी के साथ और ये प्राउड भी आप देख रहे हैं, आज जूनियर आर्टिस्ट भी उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। तो जो फिल्म सिटी की बात हो रही है यहाँ पर होने की, मैं तो कह रहा हूँ कि भारत में सभी राज्यों में इस प्रकार की फिल्म सिटी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा है कि उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो पहल की है वो इंडस्ट्री के लिए भी एक सशक्त बहुत रूप बनकर उभरेगी। नोएडा में बात की जाए तो ज़्यादातर शूटिंग लखनऊ के आसपास होती है, नहीं तो उसका 1000 एकड़ का एक पीस लैंड चाहिए था हम लोगों को, एक साथ बहुत है। जब बात उत्तर प्रदेश की जाती है तो एक लखनऊ का दिल है, जैसे लखनऊ के लखनऊ के आसपास ही 1000 एकड़ मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बहुत प्रयास हम लोगों ने पूरा उस पर पूरी रूपरेखा की, एयरपोर्ट पास दिल्ली से भी होगा, जेवर एयरपोर्ट भी आएगा। नहीं उन लोग आज 4 घंटे, हम लोग 1600 किलोमीटर गए थे काम के लिए, यहाँ से खाली 4 घंटा है उत्तर प्रदेश को, बहुत पॉजिटिवली लेना है। लाखों लोगों को रोजगार है और पूरे देश की इंडस्ट्री सब लोग आएंगे, भी भटक भटक के रास्ते रास्ते शूटिंग करेंगे। वो सरकार अलग थी, वो बात अलग थी, ये महाराज जी की सरकार है, यहाँ पर थॉट अलग है। यहाँ कॉन्क्रीट बात होगी, यहाँ कथनी करनी में अंतर नहीं होगा, पूरा एक रोड मैप हो रहा है और सारे दिग्गज लगे हैं फिल्म इंडस्ट्री। और रेमो सर भी आए तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं कि ये भी आएँ, ये भी यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे स्टूडियो में बनने में इनका भी योगदान है, गणेश मास्टर जी का भी है, मनोज भाई का भी है, ये सारे ऐसे दिमागी सब लोगों से मदद लेके। और मैं इन सबको न्योता दूंगा चूँकि मैं गोरखपुर का सांसद हूँ, कि आएँ गोरखपुर भी देखें, सब जगह देखें और ऐसी कहानियाँ बन रही हैं, ऐसी कहानियों पर यहाँ पर आके शूटिंग करें, यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, एक लंबा भविष्य देख रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे पास सिर्फ 5000 सिनेमा हॉल है, ज़्यादा स्टूडियोज होंगे, ज़्यादा सिनेमा हॉल बनेंगे, ऑडियंस है हमारे पूरे देश का भोजन ही सिनेमा, तो हम लोगों को ज़्यादा सिनेमा हॉल भी चाहिए। तो ये एक ग्रोथ एक्सपांड करने की एक सोच है, ना कि मुंबई से कहीं शिफ्ट करना है, मुंबई का स्टूडियो भी वही रहेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे हर भाषाओं को न्योता है, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी सिनेमा हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, उसके लिए हम लोग एक छत बना रहे हैं, एक कॉन्क्रीट छत। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप नॉर्थ इंडिया से हैं, महाराष्ट्र मुंबई के भी कलाकार हमारे साथ, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ उसके बाद ऐसा कहा गया कि भेदभाव होता है नॉर्थ इंडियन का मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में वो मौका नहीं दिया जाता, कहाँ तक ये बात सही है? नहीं ऐसा नहीं, तो फिर हम लोग तो सब अलग अलग हैं, आप अहमदाबाद से, रेमो से अहमदाबाद ना, जामनगर से हैं, जहाँ चेन्नई से जामनगर हैं, मणिपुर की, गुजरात का, इनकी भी पृष्ठभूमि है मेरी, ऐसा नहीं है, ये सब ने अपना अपना एक मिथ बनाया हुआ। मैं भी वहाँ पे 650 फिल्म करके आज आप बोलने के काबिल हुआ, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसी ये दूरियाँ होती नहीं, कुछ घर हैं, कुछ होंगे, कुछ माइंडसेट के लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री बहुत सुंदर है, फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, तो वो किसी पर आरोप लगाना गलत है। यस ये सरप्राइज था जो अभी सरप्राइज ज़्यादा नहीं है, आपको पता चल गया मैं हूँ इस पिक्चर में, एक छोटा सा किरदार दिया, थैंक यू कहना चाहूँगा एक्चुअली गणेश जी को, एंड बहुत
मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी से जुड़े लोग बना रहे हैं, मिट्टी से जुड़ी फिल्म है, और इस मिट्टी में जो कमल खिलेगा वो ये है जो ये बहुत ही टैलेंटेड है, सक्षम, और ट्रस्ट मी आई थिंक असली स्टार इस फिल्म का ही स्टार है। ये जितने फास्ट तेजी से कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा था परसों रिलीज में कर। अरे वाह, बहुत आगे जाओ, बहुत बारीकी से पढ़ो। धरती माता है, मिट्टी माता है, है ना, मानते हो ना, तो ऐसे किरदार हैं। नहीं नहीं, देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे की कहानी है, बाप बेटी की कहानी है, बाप बेटी की कहानी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहानी में हाँ जी, आपके लिए अगली फिल्म कहानी लेके आई है, आपके लिए बनाया जाएगा, आपके सारे दर्द मिटाए जाएंगे। वो बना रहे, मैं बना दूंगा। ये कमर्शियल फिल्म ही है। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल है। बोल दिया भाई, बोल दिया।